नो। चोर 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 मेरे कपड़े। तू रुक जरा। शुक्र है उस दर्जी से जान छूटी, साला पीछे ही पड़ गया। शुक्र है अन टाइम पे गाड़ी आ गई और मैं बच गया। अब तो मुझे पूरा साल न्यू सूट लेने की जरूरत भी नहीं है। कमीना मेरे कपड़े लेके भाग गया, अब ईद पे ग्राहकों को क्या दूंगा मैं। ऐसा करता हूँ दुकान पे जाता हूँ, ये ना हो कोई पीछे से और सूट चोरी करके ले जाए। अबे दर्जी साहब, कल ईद है, अभी तक तूने मेरे कपड़े सिलाई नहीं किए। हाँ तो ईद कल है ना, आज तो नहीं है, इसलिए मैं करूँगा अपनी मर्जी। बाबा जी दर्जी, कल ईद नमाज से पहले आके ले जाना। लगता है गाड़ी रुक गई है, अब दर्जी भी काफी दूर रह गया होगा, अब यहाँ से निकल जाता हूँ। अबे इसे क्या हुआ, लगता है टिकी लॉक हो गई है, अब क्या करूँ। ये तो वही गाड़ी है। असल साले, इतनी बड़ी तूने गाड़ी रखी हुई है, चोरियां करते हुए तुझे शर्म नहीं आई। ओ भाई खैर है तुझे, अपनी औकात में रह के बात कर, चोर कहता है मुझे। चोर ना कहूँ तो तुझे और क्या कहूँ, मेरी दुकान से अभी कपड़े चोरी करके गया है और मेरे सामने औकात की बातें करता है, चोर साला। मुझे क्या जरूरत है तेरे कपड़े चोरी करने की, मेरी तो अपनी कपड़े की फैक्ट्री है। तुझे कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो ये कपड़े सिलवाने आया था तुझसे, चोरी करने नहीं। तो वो कौन था टिड्डा जो अभी मेरी दुकान से कपड़े चोरी करके तेरी कार की डिग्गी में बैठ के गया है। कार की डिग्गी में टिड्डा कहाँ, चल दिखा मुझे। चलो खोल जरा कार की डिग्गी, तुझे मैं दिखाऊं। हाँ बता क्या है ये। ओ यार मुझे नहीं पता ये कौन है और यहाँ कैसे आया, मैं इसे नहीं जानता। पकड़ इस चोर कमीने को। टिड्डा चोर साला। Oh my God.